आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक और शाम हम सबों के जीवन में दी है। सो खुदावन के प्यारे बच्चों, आज हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन में से मनन करके चलेंगे। आज का हमारा वचन का विषय है क्षमा करने के ऊपर। क्षमा करना यानी कि माफ कर देना। हालेलुया। मुश्किल लगता है दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, पर अगर आप प्रभु में पक्के होंगे, प्रभु के विश्वास में पक्के होंगे, प्रभु के वचन पर चलने वाले होंगे, तो आपको दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, उनको माफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हालेलुया। याद रखिए, क्षमा वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अदरवाइज कोई भी इंसान दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें क्षमा दी है, परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए हमें माफी दी है, तो हमारा फर्ज बनता है हम दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करें। और वचन कहता है कि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, उसी तरीके से पहले तुम उनके साथ वैसा किया करो। हालेलुया। सो याद रखिए, जितना जल्दी आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करे, याद रखिए, जितना जल्दी आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करे, उतने ही जल्दी आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करना सीख जाए। हालेलुया। आइए हम वचन में से पढ़ करके चलेंगे, मत्ती 6 अध्याय उसकी 14 आयत, जिसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। हालेलुया। हमारे खुदावंद का वचन बताता है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, परमेश्वर चाहता है कि अगर आप अपने अपराधों के लिए क्षमा चाहते हो तो पहले आपने दूसरों को क्षमा करना सीख ना है। सुखदावन के प्यारे बच्चों, हमारी दिनचर्या में हम जाने अनजाने में पता नहीं कितनी गलतियां कर जाते हैं। कभी बोलने के द्वारा, कभी सुनने के द्वारा, कभी देखने के द्वारा, कभी सोचने विचारने के द्वारा, यानी कि जाने अनजाने में हमारे से कितनी बार गलतियां हो जाती हैं, पर परमेश्वर हमें क्षमा करता है। सो याद रखिए, क्षमा मांगना इंसान का एक बहुत बड़ा गुण है। बहुत सारे लोग गलतियां भी करते हैं पर क्षमा मांगना उनको आता नहीं, क्षमा मांगने की उनके अंदर क्वालिटी नहीं, क्षमा मांगने का उनके अंदर गुण नहीं। सो याद रखिए, क्षमा मांगना एक बहुत बड़ा गुण है और क्षमा देना उससे भी बड़ा, कहीं गुना बड़ा गुण है। हालेलुया। याद रखिए, क्षमा मांगना इंसान का एक गुण है पर क्षमा कर देना उससे भी बड़ा गुण है। हालेलुया। जैसे हमारे बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, हम अपने बच्चों को फिर भी माफ करते हैं, फिर भी हम क्षमा करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करना चाहिए। सो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत लोग कहते हैं कि उस इंसान ने मेरे को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत लोग कहते हैं कि उस इंसान ने मेरे दिल पर चोट लगाई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस इंसान ने मेरा विश्वासघात किया है। सो याद रखिए, इंसान दूसरे इंसान के प्रति कितना भी अपराध करे, कितनी भी गलतियां करे, पर हमारा पिता परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है, हमें माफ करना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए बहुत कुछ सहा है। परमेश्वर ने हमारे अपराधों के लिए, हमें माफी देने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए बहुत सारा दुख सहा है। सो परमेश्वर चाहता है कि मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर आने पाए। याद रखिए, अगर हम किसी को माफ करते हैं तो इससे हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। सो याद रखिए, अगर हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार से तुम उनके अपराधों को क्षमा करो। सो याद रखिए, क्षमा करने से हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन से प्रदर्शित करते हैं, अपने जीवन से हम परमेश्वर के स्वभाव को दिखाते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन हमें लूका 23 अध्याय उसकी 34 आयत में बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख दिया जा रहा था विरोधियों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता से विनती करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता ने
दूसरों को माफ किया, तो अगर हम उसके बच्चे कहलाते हैं, अगर हम उसकी संतान कहलाते हैं, अगर हम उसके भक्त कहलाते हैं, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। माफी लेना तो बहुत लोग चाहते हैं कि मैंने किसी के प्रति गलती कर दी, अपराध कर दिया, मुझे माफी मिल जाए, मुझे कोई माफ कर दे। पर याद रखिए, माफी देना जो है कोई कोई जानता है। सो माफी लेना तो सभी जन जानते हैं, पर माफी जो है कोई कोई देना जानता है। सो खुदावंत के प्रिय लोगों, क्षमा करने वालों के ऊपर परमेश्वर की आशीष फलती है, यानी कि क्षमा करने वालों के ऊपर परमेश्वर की विशेष बरकतें आती हैं। सो आज से, इसी घड़ी से, इसी समय से आपको लगता है कि मेरे किसी ऐसे व्यक्ति ने मेरे प्रति बहुत पाप किया है, बहुत बड़ी गलती की है, मेरे दिल को बहुत दुखाया है, मेरे दिल पर चोट लगाई है, मुझसे विश्वासघात किया है, मेरे विश्वास का उसने कत्ल किया है, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो खुदा उनके प्रिय लोगों, आज से ही, इसी घड़ी से, इसी समय से क्षमा की भावना अपने अंदर रखें। अगर कोई आपको फोन करता है, अगर आपके पास कोई आता है क्षमा मांगने के लिए, तो क्षमा वाला हृदय रखें, क्षमा वाला दिल रखें। इससे आप परमेश्वर की सच्ची संतान बनेंगे और आपको भी सुकून मिलेगा, आपको भी शांति मिलेगी कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए दूसरों को जो है माफ किया है, और परमेश्वर इसके बदले में आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि क्षमा करने वालों के ऊपर परमेश्वर की आशीष फलती है। हालेलुया। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और आप सब जन खुदावन यस्सु के नाम में, खुदावन यस्सु के नाम में दिनों दिन बढ़ते चले जाएं, और परमेश्वर की ढेरों सारी बरकतें, ढेरों सारी आशीषों को आप अपने जीवन में हासिल करते हुए देखने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस वचन पर आशीष डेले और आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावन यस्सु के नाम में आप सबों को जय मसीह की, आमीन।